देखिए सुरमा भाई, खुद को स्मार्ट समझना बहुत अच्छी बात है, पर ये समझना कि दुनिया में सिर्फ आप ही स्मार्ट हो और बाकी सब लोग बेवकूफ, ये बहुत गलत बात है। और ये आपका एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है। वाह वाह बबीता जी, क्या बोले आप, मुझे आ गया। सुरमा भाई, तुमने अपने आप को कानून से ऊपर समझा और यही बात तुमको भारी पड़ गया। अब बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो 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 सुरमा भाई, आपसे नटू काका का टट्टू काका तो नहीं हो सका, पर हमने सुरमा भाई का सुरसुरिया कर दिया। जेठालाल भी हंस रहे थे ना, अब हंस के दिखाओ, हंसो हंसो हंसो। अरे अब क्या हंसेगा ये पोपट बेटा, इसका इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है। सुरमा बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आप को ज्यादा ताकतवर मत समझना, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर तो ये है भगवान। कोई चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी कायदे कानून बदल ले, जो चाहे वो कर ले, लेकिन भगवान हमेशा सच्चाई को ही जीत दिलाता है, समझा? चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और आप सबने मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी, आप सॉरी बोल रहे हैं? देख मुन्ना, जब दिमाग अपना कर्तव्य दिखाता है ना, तो ताकत को सॉरी बोलना ही पड़ता है। बात है, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं अपने अहंकार के नशे में अंधा हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जा, माफ किया तुझे। तू चिंता मत करना, तेरे टोकन के 1 करोड़ रुपए भी हम लोग तुझे वापस कर देंगे, क्योंकि तेरे टोकन के 1 करोड़ वापस नहीं करेंगे तो तुझ में और हम में फर्क क्या रह जाए। जीजा, इसे 1 करोड़ वापस कर दे। हाँ बाबूजी, वो तो वापस देने ही है और देने ही है, दे ही दूंगा। हमें हमारी दुकान वापस मिल गई और क्या चाहिए हमें। और हाँ जीजा, हाँ, इसे 1 करोड़ नहीं, 1,01,001 रुपए देना। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हाँ, एक बात बोलूं जेठालाल, मैं इन दोनों को अजूबे समझता था कि कैसे अजीब अजूबे हैं जो खुद ही मालिक बनकर सौदा तय भी करते हैं और खुद ही मालिक बनकर सौदा कैंसिल भी कर देते हैं। भाई एक बात तो है, जब दिमाग चलता है तो अजूबों का भी चलने लगता है। अरे सुरमा भाई, ये ना अजूबे है ना नमूने है, ये दोनों तो मेरे नगीने हैं, नगीने। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू बगा, थैंक यू। वेलकम सेठ जी, वेलकम। वाह 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 वाह, थैंक यू। अरे कौन बाबा, वाह 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 पोपटलाल, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया है, जबरदस्त किया ना ये लोगों ने, बहुत जबरदस्त, मजा मजा आ गया। लेकिन नट्टू काका बाघा, एक बात तो बताओ, तुमने मुझे चकमा दिया कैसे? हाँ। सुरमा भाई, कल रात को तो हमने दुकान के लिए आशा बिल्कुल छोड़ दी थी, हमारी गलती की वजह से कल हमारे सेठ जी की दुकान सुरमा भाई के हाथ में चली जाएगी। नट्टू काका, हम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि सेठ जी कंटाल के दुकान बेचने की बात कर रहे थे। बागा, हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं नट्टू काका? जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो एक ही रास्ता दिखता है,
नटू काका बुलेट ट्रेन। क्या नटू काका? बुलेट ट्रेन हमारी दुकान को बचा सकती है। मैं कुछ समझा नहीं बागा। मैं समझाता हूँ नटू काका। मैंने ये पूरी बात नटू काका को समझाई और उनको ये भी समझाया कि कैसे बुलेट ट्रेन की खबर देने का आइडिया काम कर सकता है। आइडिया तो सुपर था, लेकिन उस आइडिया को सुपर हिट कैसे करे वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हमें पोपट भाई याद आए, इसलिए हमने रात को पोपट भाई को फोन किया। बोल बागा, इतनी रात को फोन क्यों किया? पोपट भाई, दुकान बचाने का एक बहुत ही मस्त प्लान मेरे दिमाग में आया है, लेकिन उस प्लान में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोल बोल, क्या मदद चाहिए? मैं अभी टप्पू को लेकर प्रेस पहुंचता हूँ। मैंने फोन रखा और बाघा ने जो पूरा प्लान मुझे बताया था वो खबर पेपर में छपवाना मेरे लिए आसान था। मैंने टप्पू को फोन किया, उसे सारी बात बताई। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। टप्पू, किसका फोन था? दादाजी, गोली का फोन था। वो उसे ना होमवर्क में थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तो मैं अभी आता हूँ। आप आराम से सो जाइए। हाँ ठीक है। बाहर निकलती मैंने गोली को फोन किया और गोली भी घर पर सेम माना करके निकला कि वो मेरे घर आ रहा है। और फिर मैं, पोपट अंकल और टप्पू तूफान एक्सप्रेस की प्रेस में पहुंच गए। और तूफान एक्सप्रेस पहुंचते ही मैंने ये झूठी खबर वाला सप्लीमेंट छपवा दिया। सप्लीमेंट तो छप चुका था, लेकिन अब मेन काम था उस सप्लीमेंट को सुरमा भाई के घर तक पहुंचाने का। हाँ, तो फिर आप लोगों ने सुरमा भाई के घर पे ये पहुंचाया कैसे? हाँ, कैसे पहुंचाया? कैसे सब सब बता दो डिटेल। अब मैंने अपनी पत्रकारिता को काम पे लगाया। मैंने ये इंक्वायरी करवाई कि सुरमा भाई के घर पर कौन कौन से अखबार आते हैं। और सुरमा भाई के घर पर सुबह अखबार वाला पहुंचे, उसके पहले हम वहाँ पहुंच गए और हमने उस अखबार वाले से सारे अखबार ले लिए। अंकल, आप सुरमा अंकल के घर पेपर देने जा रहे हैं? जी। आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे। थैंक यू। उसके बाद हमारा कारवा पहुंचा गोकुलधाम सोसाइटी के अखबार वाले के पास। वो तो हमारा पहचान वाला था भाई। ये भी पता था कि किसके किसके घर में कौन कौन सा अखबार आता है। वाह, हमने उसे सारे सप्लीमेंट दिए। मैंने कहा कि भैया, ये ताजा खबर वाला पेपर है, आप इसे सारे अखबारों में डाल दो। अब पूरा प्लान एकदम सेट था। इंतजार था सुबह होने का और सुरमा भाई के अखबार पढ़ने का। और सुबह होते ही जैसे सुरमा भाई ने पेपर पढ़ा, उनके घर में बम फूटा और उस बम का धमाका गोकुलधाम तक सुनाई दिया। सुपर डुपर आइडिया है। सुरमा भाई, आपने खबर पढ़ी और अपना नुकसान होते देखकर आप एकदम डर गए। बस आपके इसी डर ने पूरी बाजी पलट दी। हाँ, और आपके डर ने ही आपसे ये सब कुछ करवाया। हमने जानबूझ के हम दोनों के मोबाइल बंद कर दिए, क्योंकि हमें पता था कि अखबार में खबर पढ़ के आप जरूर हमें फोन करोगे, कि हमारा फोन ना लगने पर आप कुछ भी करके हमें ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक आप पहुंचोगे। आप हमको आटे में लेना चाहते थे, हमने आपको आटे में ले लिया। मुझ जैसे होशियार इंसान को भी बेवकूफ बना दिए तुम सबने। हाँ, मानना पड़ेगा सुरमा भाई, जो आदमी होशियार होता है वही डेढ़शाणा होता है और डेढ़शाणा आदमी ही बेवकूफ बनता है, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। होशियार आदमी ही बेवकूफ बनता है, क्या बढ़िया बात कही है बागा। और उतना ही बढ़िया आइडिया जेठालाल की दुकान बचाने का, भाई वाह। अरे जोरदार आइडिया तो कमाल का था मेहता साहब,
लेकिन अगर उसमें पोपट भाई, टप्पू सेठ और गोली का सहकार न मिलता तो ये मुमकिन नहीं था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बुलेट ट्रेन की खबर गोकुलधाम के पेपर में देने की क्या जरूरत थी। गोपो, तू ये सारा प्लान हम गोकुलधाम वालों को तो बता सकता था ना यार। अंकल, हमें रिस्क नहीं लेना था इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। हमें पता था कि सुरमा भाई बहुत शातिर आदमी है, इसलिए हमारी जरा से भी गफलत पूरे प्लान को चौपट कर देती। गडा इलेक्ट्रॉनिक्स की कटाई की खबर एकदम पक्की है, ये बात सबके दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी था, और इसीलिए हमने गोकुलधाम के अखबारों में भी बुलेट ट्रेन वाली खबर का सप्लीमेंट डलवा दिया। वाह पोपट साहब वाह, दिमाग का इस्तेमाल तो बहुत बखूबी किया है, पर आप लोगों ने खबर बदली है, ये कितना बड़ा गुनाह है ये जानते हो? जानता हूँ सुरमा भाई, मैं एक पत्रकार हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सबसे बेहतर मैं जानता हूँ, लेकिन हमने खबर बदली नहीं है, हमने अखबार के बीच में हमारी खुद की खबर का सप्लीमेंट डाला। क्या? हाँ सुरमंगल, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अलग है और बुलेट ट्रेन का सप्लीमेंट अलग है, देखे देखिए। हाँ देखा देखा। अरे पेपर देखा। अरे हाँ, हम लोग खबर पढ़ के इतने खुश हो गए कि ध्यान ही नहीं रखते, अलग अलग है। चीचा जी, दोनों का कलर अलग है। अरे पेपर की क्वालिटी भी अलग है, और ध्यान क्यों नहीं दिया? और देखा, देखे देखे, मान गए टप्पू सेना। हमने कोई दावा नहीं किया कि ये बुलेट ट्रेन वाली खबर पक्की है, हमने सिर्फ ये लिखा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम ये खबर दे रहे हैं। अब कौन सूत्र, किसने खबर दी, कब खबर दी, ये सब कहाँ लिखा है? करेक्ट। जब काम गलत हुआ ही नहीं है तो फिर गुनाह कैसे बनता है? हमने तो जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था उसे उंगली टेढ़ी करके निकाला है। ओ वाह वाह, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स बचाओ टीम के सारे मेंबर्स का विजय। जेठालाल, तुम तकदीर के सच में कितने धनी हो जो इतना प्यार करने वाले तुम्हें मिले। गोकुलधाम वासियों, आप सब ने यह साबित कर दिया कि एकता में कितना बल है। दुकान सिर्फ जेठालाल की फंसी थी, पर आप सब ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी है, सच कहता हूं दिल जीत लिया आप लोगों ने। थैंक यू सुरमा भाई, और मैं भी एक बात कहना चाहूंगा आपको, आपने साबित कर दिया कि आप जैसे जो गुंडे लोग, मतलब आप जैसे जो रुआबदार लोग होते हैं उनका दिल भी मोमबत्ती की तरह पिघल सकता है। देखा, मोम की तरह पिघल। हाँ ठीक है, मोम भाई मोम रखना, मोम मोम की तरह। जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है, मार्केट में तुम्हारा काफी नाम भी खराब हुआ होगा, पर चिंता मत करो, कल के पेपर में फ्रंट पेज पर एक खबर छपेगी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिका नहीं है। अरे वाह, थैंक यू, और मैं माफी भी मांग लूंगा। क्या बात है, बोलिया बोलिया। और हाँ जेठालाल, एक बात और, बेंगलोर में मेरा एक नया होटल तैयार हो रहा है, उसमें मुझे 150 टीवी चाहिएंगे, तो ये ऑर्डर भी तुम्हें आज ही दे देता हूँ। अरे वाह जेठालाल, बधाई हो, तुम्हें तो फायदा हो गया भाई। हाँ मतलब ये तो ये सब ऊपर वाले की कृपा और बापूजी के आशीर्वाद का कमाल है बापूजी। ठीक ऑर्डर दे दिया बोला सुरमा भाई ने। अच्छा सुरमा भाई, मैं क्या कहता हूँ, आपका जो 1 करोड़ टोकन का मेरे खाते में जमा है ना, उसको मैं भी जमा ही रखता हूँ।
क्या हुआ 150 टीवी के हम लोग जो हिसाब किताब करेंगे ना उसमें फिर वधगट समझ लेंगे है? चलेगा ना बाबा। भाई जेठालाल तुम पक्के एक नंबर के व्यापारी हो। ठीक है ऐसा ही करते सेठ जी, अब तो हमारी दुकान बच गई है, अब तो हमारी पगार बढ़ाएंगे ना। पगार अभी अरे नट्टू काका आप लोगों को पता नहीं है कि आपके सेठ जी आपके लिए कितना सोचते हैं। सबके सामने बोला जेठालाल ने कि आप लोगों को 11,001 शगुन के रूप में देंगे। यस यस जेठालाल तुमने बोला था, हम सबके सामने बोला था, अभी जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। क्या नट्टू और बाघा ने हमारी दुकान बचाई है तो पैसे तो देने चाहिए। अरे बापू जी मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ही बोला था और मैं दूंगा ही। और चलो 11,000 नहीं बस दोनों को 21,000 दूंगा बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे भाई इसी बात से मजा। जेठालाल ये बैंड वालों के भी 5,000 देने हैं। 5,000? अरे भाई इतनी शॉर्ट नोटिस पर आए तो 5,000 तो लेंगे ही ना। अब मैंने थोड़ी बुलाया है इनको, मैंने कहा बोला था कि बुलाओ बैंड वालों को। सॉरी मैं नहीं दूंगा पोपटलाल। टप्पू तूने बोला था तो मैंने बैंड वालों को बुलाया, अब तेरे पापा 5,000 देने से मना कर तो कौन देगा? टप्पू बेटा तूने बोला था? हाँ पापा। अरे बेटा कच्चे व्यापारी का बेटा होकर ऐसी गलती कैसे कर सकता है तू बेटा। अरे छोटी अंकल का ढोल तो घर पे ही पड़ा होता है ना, उनको बोल दिया होता तो बेचारा आके फ्री में बजा देते थे। पोपट अंकल सॉरी, हाँ पापा अभी मना कर रहे हैं। अरे क्या सॉरी? अरे भाई मेरा इनके साथ सालों से रिलेशन है, मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग मेरी शादी में बैंड बजाने नहीं आएंगे। अरे पोपटलाल मजाक कर रहा हूँ भाई, दे दूंगा भाई इनको भी दे दूंगा बस। पापा इसी बात पे गरबा हो जाए। मित्र जेठालाल के दुकान के किस्से की जो बुलेट ट्रेन है आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। सूरमा भाई का हृदय परिवर्तन भी हो गया है, भाई गोकुल धाम जगह ही ऐसी है, अपने पदर एकता की ऐसी हवा बहती है कि हर हृदय का परिवर्तन हो जाता है और यहाँ के बाशिंदे लोगों के दिलों में बस जाते हैं जैसे हम लोग बस गए सूरमा भाई के दिल में। और अब मैं पूरे उत्साह के साथ घोषणा करना चाहता हूँ कि यदि आप कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, दुकान यथावत है, अपनी जगह है, फिर से दुकान प्रारंभ हो चुकी है और समय तो प्रारंभ हो गया है बीते वर्ष को बाय बाय कहने का और नए वर्ष के स्वागत का। तो यहाँ गोकुल धाम में भी आप जानते हैं कि नए वर्ष का स्वागत तो बड़ा ही धूमधाम से किया जाता है, तो यहाँ क्या धूमधाम होने वाली है, क्या स्वागत होगा, कैसी पार्टी होगी, भाई बहुत सारी बातें हैं लेकिन हर बात अभी तो बताई नहीं जा सकती। बात आपको पता चलेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम और आप मिलके ये जो खुशियों का क्रिसमस ट्री है इस पे हंसी के बल्ब लगाएंगे और हंसेंगे और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।